हेलो, आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोग के साथ किचन क्लीनिंग का वीडियो शेयर करूंगी। सबके यहाँ किचन गंदी होती है, सेम हमारे यहाँ भी किचन गंदी होती है। और हमारे किचन की टाइल्स व्हाइट कलर है तो और ज़्यादा गंदी दिखती है, क्योंकि तेल सब कछुओं का चिपक जाता है, फिर उसमें धूल डस्ट चिपक जाती है तो काली काली दिखती है। इसलिए मैं हर एक 1.5 महीने में पूरा किचन को धोती हूँ, क्योंकि मेरी किचन छोटी सी है और नॉन मॉड्यूलर किचन है। मेरा कोई कैबिनेट वगैरह नहीं है, मेरे किचन में छोटी सी है, तो मैं उसका पूरा दीवार को देखिए रगड़ रगड़ उसको अच्छे से धो लूंगी। और उसके बाद मैं स्लेप में धोने आ गई हूँ नीचे। और एक दिन पहले मैं अपना गैस चूल्हा को धो दी थी रगड़ के। देखिए मेरी दीवार में कितनी अच्छी शाइन आ गई है, एकदम चमक गई है। और यहाँ पास मैं सिंक के पास भी पूरा साफ कर ले रही हूँ। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी है बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। और देखिए मेरी सिंक भी साफ हो गई है, अब मैं नीचे की एरिया को साफ करूँगी। देखिए क्लीन हो गई है। और ये मैं चूल्हा को सिर्फ कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले मैं धोई थी। अब ये नीचे की एरिया है, और अभी मैं ये स्लेब के नीचे की एरिया है, यहाँ पर मैं अंदर घुस के अच्छे से साफ कर दूंगी, क्योंकि बरसात में फफूंद लग जाती है अगर साफ नहीं करेंगे तो अच्छे से। और ये देखिए मेरा नीचे भी साफ हो गया है, और ये मेरा पीछे की एरिया है। और मैं बर्तन पहले से धो के रख ली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।